नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमला की रसोई में। दोस्तों, आपने कई तरीके के पराठे खाए होंगे, कई तरीके की रोटियां भी खाई है। आज हम बनाने जा रहे हैं नए तरीके का फुलका, सिंधी फुलका। ये फुलका खाने में बहुत नरम होता है, आप इसको 3-4 दिन रख के भी खाएंगे तो भी उतना ही स्वाद देगा। बच्चों को ज्यादातर सब्जियां अच्छी नहीं लगती, तो आप ये फुलका बना के खिलाइए और बच्चे मजे ले लेके खाएंगे। तो बच्चा हो या बूढ़ा हो या हो बीमार, सिंधी फुलका है सबका मददगार। तो आइए सिंधी फुलका बनाने के लिए पहले हम गूंद लेते हैं आटा। तो 250 ग्राम लेंगे आटा। आप आटा अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर के हिसाब से आटा हम लेते हैं। तो मैंने 250 ग्राम आटा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालेंगे पानी और आटा गूंदते जाएंगे। आटे को हमें नरम गूंदना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे, एकदम पानी नहीं डालना। कभी कभी क्या होता है, हम एकदम पानी डाल देते हैं तो डो सॉफ्ट हो जाता है, फिर रोटियां मज़ेदार भी नहीं बनती और बेलने में भी दिक्कत आती है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा गूंदेंगे तो रोटियां भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो लीजिए, आटा भी गूंद गया। अब इसको थोड़ी लगाएंगे मुट्ठी, और मुट्ठी के प्रेशर से इसको हम थोड़ा और गूंदेंगे, ताकि जो इसमें गठाने आटे में पड़ी हैं वो भी मैश हो जाएं और आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, आटा गूंद गया। अब थोड़ा इसमें लगाएंगे तेल, तेल से हम अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो तेल से फिनिशिंग दे दी। अब मुट्ठी लगा के 1 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। 1 घंटे बाद इसको हम फिर गूंदेंगे। तो 1 घंटा हो गया है, थोड़ा चकले पे लगाएंगे तेल और आटे को हम गूंदते हुए अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो लीजिए, आटा भी हमारा अच्छे से गूंद गया। हमें इतना ही नरम चाहिए, इससे ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। तो पहले एक लेते हैं गोल लोई, थोड़ी लोई हम बड़ी लेंगे क्योंकि सिंधी फुलका थोड़ा मोटा होता है। तो लोई को हम डिप करेंगे गेहूं के आटे में और छोटा सा बेलेंगे, पूड़ी की तरह छोटा सा बेलेंगे। फिर लगाएंगे इसमें देसी घी या कुकिंग ऑयल। अब इसका हम करेंगे फोल्ड, पहले डबल फोल्ड, फिर इसी को ही हम 4 फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा उंगलियों से दबाएंगे और गेहूं के आटे में डिप करके फिर बेलेंगे। तो ये फुलका हमें किनारों से बेलना है, क्योंकि फुलका हमने फोल्ड करा था तो किनारे, जब हम फुलका बेलते हैं तो किनारों में थोड़ी एयर आ जाती है तो किनारे मोटे हो जाते हैं। तो हमें किनारों से बेलते हुए फुलका बेलना है। बीच में बेलेंगे तो फुलका जल जाएगा, और 0.5 सेंटीमीटर हमें मोटा रखना है। देखिए, ऐसे मोटा होना चाहिए। तवे को मैंने पहले कम फ्लेम पे गरम करने रखा था, तवा गरम हो गया है। तो थोड़ा सा लगाएंगे इसमें तेल का छींटा और फिर डालेंगे फुलका। अब फुलका डालने से ऊपर से देखिए बबल्स दिखने लगे हैं, तो फुलका सिक गया है। इसका हम साइड चेंज कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से जब फुलका सिकेगा तो ऐसे ही बबल्स उठेंगे और किनारे भी थोड़े मुड़ जाएंगे। तो फुलके की साइड हम चेंज करते हुए पकाएंगे। तो देखिए कितना तवे में पकता हुआ फुलका ही इतना सॉफ्ट लग रहा है, नरम लग रहा है। तो खाने में भी ये उतना ही नरम होता है, और किनारे हमें थोड़े मोटे से लगे या कच्चे से लगे तो उंगलियों से थोड़ा दबाएंगे और फुलके को पकाएंगे। तो लीजिए, फुलका पक गया है, निकाल लेते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम देसी घी या कुकिंग ऑयल। सरसों का तेल हमें नहीं लगाना है, कुकिंग ऑयल या देसी घी लगाना है। और 2 फोल्ड करके फिर इसके भी हम ऐसे ही 4 फोल्ड करेंगे जैसे हमने लोई को बंद करने में करे थे। तो लीजिए, तैयार है सिंधी फुलका। फिर हम दूसरा फुलका भी हम ऐसे ही बेलते हैं जैसा हमने पहला वाला बेला था। किनारों से हमें बेलना है। ये देखिए, किनारों में एयर आ गई, दिख रही है ना, तो इसलिए हम किनारों से बेलते हैं ताकि एयर निकल जाए और फुलका हमारा कच्चापन ना लगे और किनारे अच्छे से सिक जाएं। तो इसमें भी बबल्स आने लगे हैं, इसका भी हम साइड चेंज कर लेते हैं। दोनों साइड से हम अच्छे से सेकेंगे। देखिए कैसे फूल रहा है, लग रहा है ना, बढ़िया सिंधी फुलका। आप इसको रसीली सब्जी, सेल सब्जी या किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हो। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो उसको आप पापड़ से खाएं, चटनी से खाएं,
तब भी ये उतना ही स्वादिष्ट लगेगा और उतना ही नरम लगेगा जैसे सब्जी से खाने से लगता है। तो लीजिए ये फुल्का भी पक गया। अब इसमें लगाएंगे देसी घी, पहले 2 फोल्ड करेंगे फिर 4 फोल्ड करेंगे। तो लीजिए तैयार है दूसरा फुल्का। अब इन फुल्कों को हम रखेंगे हॉट पॉट में और आप इसको 1 दिन रख के खाओ, 2 दिन रख के खाओ, इतने ही सॉफ्ट रहेंगे, ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। आप कहीं सफ़र में जाते हो तो इन फुल्कों को बना के ले जाइए। ये हाथों से मैं दबा के दिखा दी, देखिए कितना सॉफ्ट है, एक उंगली से ये टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट है। तो आप इसी तरीके से हिंदी फुल्का बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो मैं चाहती हूँ आप इसको बनाओ और घर में सबको खिलाओ और मुझे बताओ कैसा लगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।